नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। टेरिटोरियल आर्मी का सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये इसका पार्ट बी है। पार्ट बी में हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए बेसिक बेटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ये ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए आपको, एंगल ट्रांसफॉर्मेशन। देन साइन थीटा अपॉन साइन 180 प्लस थीटा, एंड फाइनली प्लस 10 90 प्लस थीटा अपॉन कॉट थीटा। बस ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ऊपर साइन थीटा, नीचे क्या होगा? कॉस 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक ही सारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। उसके अलावा 90 के केस में चेंज होता है कॉस, किस में चेंज होगा? कॉस चेंज होगा साइन पे, साइन किस में चेंज होता है? कॉस पे। ओके, तो कॉस यहाँ पर कितना जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा। इसको एक बार रिवाइज आप कर लेना, ठीक है। प्लस न्यूमरेटर में तो साइन थीटा ही, डिनोमिनेटर में साइन 180 प्लस थीटा। 180 में देर इज नो चेंज, ठीक है, 180 में कोई चेंज नहीं, लेकिन 180 प्लस थीटा में देखूंगा तो इट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो इट विल बी अगेन माइनस साइन थीटा। 180 में देर इज नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहा। प्लस टेन 90 प्लस थीटा, अच्छा 90 में देर इज अ चेंज, लेकिन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, सो टैन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। तो दिस विल बी माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा। ओके, सो दिस विल बी माइनस वन साइन थीटा विल गेट कैंसिल, साइन थीटा कॉट थीटा कॉट थीटा, दिस विल बी माइनस वन, अगेन माइनस वन, अगेन माइनस वन, सो द आंसर विल बी माइनस थ्री। सी इज द राइट आंसर। सो सिंपल, ठीक है, आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 67। 67 में आपको एक फिगर दिया है, ठीक है, मैं थोड़ा सा फिगर पे गौर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, इस फिगर में आपको क्या दिया है उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि फिगर में ओ क्या है? ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ओ सेंटर है, ठीक है, डायमीटर ए बी है, ठीक है, एंड अ कॉर्ड सी डी, ठीक है, ये सी डी कॉर्ड है, डी इसने थोड़ा सा दूर बनाया है, मैं डी यहाँ बना लेता हूँ, डी, ठीक है, सी डी एक कॉर्ड है, बिल्कुल सही, सच दैट, ठीक है, सच दैट, ओके, एंड कॉर्ड सी डी एट अ पॉइंट ई, ठीक है, सच दैट, ठीक है, आपका साफ क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो डायमीटर है ए बी वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का क्या मतलब है? बाइसेक्ट का ये मतलब है कि कॉर्ड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी किसी ने लिखा है, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। तो सी ई इज इक्वल टू ई डी कह रहा है, तो सी ई और ई डी कितना है? 8, 8, ठीक है, तो 8, 8 किसी ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, ये 8 है नीचे और ऊपर भी 8 है, ओके, दिस इज गिवन टू अस। उसके अलावा ई बी कितना है? ई बी 4 है, ये भी लिखा हुआ है, ई बी की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है, तो मैं इसी को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस निकालना है, आपको ओ बी निकालना है, आप ओ बी निकालो, ओ डी निकालो, कुछ भी निकालो, ठीक है, वेरी सिंपल। अगर मैं ऐसे बना लूँ ओ डी, तो आपको पहले ओ ई मालूम होना चाहिए, ओ ई निकालना बहुत आसान है। ओ ई कैसा आएगा आपको? ओ बी क्या है? रेडियस है। ओ बी भी क्या है? रेडियस है, ठीक है, चलो रेडियस में आ लेता हूँ। ओ डी भी क्या है? रेडियस है, इसको मैंने आ ले लिया। अच्छा, मुझे ओ ई चाहिए, ठीक है, तो ओ ई कैसा आएगा अगर आप ओ बी में से? ओ ई कैसा आएगा बेटा? ओ ई ये है लेंथ, ठीक है, मैं इसको आपको येलो से दिखाता हूँ, ओ ई ये लेंथ है, अगर आप टोटल में से ई बी माइनस कर दो, ओ ई कैसा आएगा? टोटल में से, टोटल क्या है? टोटल ओ बी है, ओ बी में से अगर आप क्या माइनस कर दो? ई बी माइनस कर दो, तो यू विल गेट ओ ई, तो ओ ई कितना आ जाएगा? ओ ई आ जाएगा मेरा ओ बी आर है माइनस ई बी, ई बी कितना है? 4 है, तो ये आ गया आर माइनस 4, ठीक है। हाँ, अब ओ ई हमारे पास है, ओ ई हमारे पास है, ये मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ओ ई हमारे पास है, ई डी हमारे पास है 8, और ओ डी हमारे पास आर है, तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट हियर, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ऐसे,
हमने कुछ नहीं करना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है क्योंकि हमें आर निकालना है ना, रेडियस। ये आर दिया है हमारा हमें, ठीक है, ये ओ है, ये ई है, ये डी है, ओके, ये डी है, तो ओ डी हमें आर दिया है। ओ ई हमने कितना निकाला, ये हमने निकाला आर माइनस फोर, और ई डी कितना दिया है हमें, ई डी हमें एट दिया है ना। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, इट विल बी, लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं। सो इट विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी हाउ मच, आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, इसको सॉल्व करिए फटाफट से। दिस विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एट स्क्वायर इज 64 प्लस यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी विल बी माइनस एट आर, ओके। सो आर स्क्वायर आप देखेंगे कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल, और यहाँ से आपके पास 64 प्लस 16 विल बी हाउ मच, 80 ना। तो इसके बाद क्या जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 8R इज इक्वल टू 80, और R की वैल्यू कितनी आ गई, 10, सो सिंपल। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना था, आपने क्या करना था बेटा, यू हैव टू जस्ट अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, ओके। चलो अगले में आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, सपोज एक ग्राउंड है, दिस इज अ ग्राउंड, और एक एरोप्लेन है, सपोज दिस इज द एरोप्लेन, ओके, और इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से, इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो है 300 मीटर, ठीक है, ओके। देन एंड द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव अ प्लेन एट एन इंस्टेंट, ठीक है, इसके नीचे एक और प्लेन है, ठीक है, सपोज एक दूसरा प्लेन है, थ्री हंड्रेड मीटर हाइट पहले वाली प्लेन की है जो ऊपर है वर्टिकली, और जो वर्टिकली उसके नीचे है उसके उसका जो हाइट है दैट इज़ नॉट मैंशनड, ठीक है। सो एट एन इंस्टेंट वेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड आर 1645, ठीक है, तो यहाँ से मुझे एंगल ऑफ क्या दे रखा है, एलिवेशन, ठीक है, तो इस पॉइंट से ले लेते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये आएगा और एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली बड़ा एंगल कौन सा होगा, ये एक एंगल ये आएगा, ये बड़ा एंगल कितना होगा, दिस विल बी 60 डिग्री, और जो छोटा वाला एंगल है दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो पहले हम लोग कोई भी कंडीशन लगा लो, अगर आप टैन 45 लगाएंगे, सपोज अगर ये दिस इज योर ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ सपोज जो दूसरा वाला प्लेन है, अगर मैं बोलूँ उसकी हाइट ग्राउंड से एच है, ठीक है, एच है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप 1045 लगाओगे, 1045 विल बी नथिंग बट एच अपॉन ए बी, ठीक है, 1045 वन होता है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी विल बी ऑल्सो एच, ठीक है, तो इसको भी मैं एच लिख सकता हूँ ऐसे ऐसे, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द लोअर प्लेन, आपको यही एच निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या लगाऊंगा, अब मैं लगाऊंगा 1060 वाला फॉर्मूला, दूसरा मैं लगाऊंगा 1060 में क्या हो जाएगा, द टोटल हाइट इज 300 मीटर अपॉन बेसिस अगेन एच, तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा, 1060 कितना होता है, 300 अपॉन 1060 की वैल्यू होती है √3, ओके, बस आंसर। अब ऑप्शंस में देखो, यू आर नॉट गेटिंग √3 ना, नीचे आपको √3 नहीं मिल रहा है, तो बहुत इजी है, इसको आप 3 × 100 अपॉन √3 कर लेते हैं, और 3 को भी आप √3 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 100√3, ठीक है, 3 को आपने √3 × √3 लिख दिया, √3 से एक √3 कैंसिल, सो द आंसर विल बी 100√3, सो सिंपल, बी इज़ द राइट आंसर, हाँ, वेरी सिंपल। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 70, बहुत इजी है। एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, मीन और एवरेज एक ही चीज़ है, तो एवरेज कितना दिया आपको, एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस 15। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ, जब भी ऐसा दे उसको आप फॉर्मूला वाइज खोल के लिख दें,
कैसे लिखोगे? एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस का मतलब है सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस अपॉन 20 इज इक्वल टू 15. देयरफॉर यहाँ से सम आ जाएगा, सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, दिस विल बी 300. ठीक है. अच्छा, ये क्यों निकाला हमने बेटा? क्योंकि कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग सम से ही करते हैं. ठीक है, क्योंकि वो मुझसे क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है दैट टू वैल्यूज वर रॉन्गली कॉपीड. थ्री और सिक्स को आपने रॉन्गली कॉपी कर दिया. थ्री और सिक्स ये आपके रॉन्ग नंबर्स थे जिनका सम कितना होता है 9. ये आपने रॉन्गली कॉपीड करे, और इसके बदले क्या होना चाहिए था, इसके बदले होना चाहिए था 8 और 4, ये करेक्ट थे जिसका सम होता है 12. तो मैंने क्या करना है, इट विल बी आपको करेक्ट एवरेज निकालना है. तो मैं क्या करूँगा, जो गलत नंबर है उनको हटाऊंगा. तो सम में से सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, 20 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दो हटा रहे हैं हम लोग और दो जो सही हैं करेक्ट वैल्यूज हैं उनको ऐड करेंगे. तो 20 ऑब्जर्वेशंस का सम कितना जाएगा, 300 था जो कि गलत था. क्यों था गलत? क्योंकि 9 उसमें गलत ऐड था, तो वो मैंने 9 हटा दिया. लेकिन साथ में क्या ऐड करूँगा, 12 ऐड करूँगा. ठीक है, तो 9 गलत ऑब्जर्वेशंस थी, 3 और 6 वो मैंने हटा दी तो -9 कर दिया, और 8 और 4 जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन थी उसको ऐड कर दिया. ठीक है, तो अब ये सम कितना आ गया, यह आ गया 303, यह आ गया 303. बस 303 आते ही अब आप एवरेज कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल. ठीक है, तो अब जो एवरेज हो जाएगा, एवरेज ऑफ न्यू, एवरेज ऑफ करेक्ट एवरेज कितना हो जाएगा, दैट विल बी 303 अपॉन 303 अपॉन 20. ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दिस ओनली, यू विल गेट योर आंसर. So this will be, if you'll solve it, you'll get I think 15.15 ना, solve कर लो बेटा. ठीक है, इसको ऐसे करेंगे 20 ones are 20, the remainder will be 10, 103, so 25 are 100, the remainder will be 3, point लगाऊंगा तो वहाँ पर क्या जाएगा 30, तो 20 ones are 20, then the remainder will be 10, point लगा हुआ है 100 आ जाएगा 25, सो 15.15 इज द करेक्ट एवरेज, वेरी सिंपल. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं बेटा. ठीक है, 71 में टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स. ओके, आपसे कह रहा है दो पोल्स हैं और जिनकी हाइट बराबर है, तो लेट्स विजुलाइज इट फर्स्ट. एक डायग्राम बना लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, सपोज ए ग्राउंड है और दो पोल्स हैं, सपोज एक पोल ये है और एक पोल ये है और बोथ आर ऑफ इक्वल हाइट्स. ठीक है, दोनों की हाइट बराबर है. ओके, सपोज इसकी हाइट h है, इसकी भी हाइट h है, स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड. अच्छा, ये जो रोड है पूरी, ये कितनी है, 100 मीटर वाइड है. ठीक है, चलो 100 फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ ग्राउंड. ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स आर 1360 डिग्री. ठीक है, तो अगर मैं सेंटर से लूँगा तो एलिवेशन तो बराबर आएगा दोनों का, तो कहीं ना कहीं सेंटर पे तो नहीं है. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास आते हैं आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ता है. ठीक है, तो अगर मैं सपोज एक पॉइंट यहाँ रखता हूँ तो डेफिनेटली ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मैं डायग्राम बनाता हूँ, एक तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया टॉप. ठीक है, और यहाँ से एक ये एंगल ऑफ एलिवेशन मार गया, तो कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा. ठीक है, दिस विल बी हाउ मच, 60, इसको मैं 60 मान लेता हूँ और इसको मैं कितना मान लेता हूँ, 30. हाँ, ओके, आपको हाइट निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल. ओके, चलो बेस देख लेते हैं. अगर आप इसको x मान लोगे, बाय द वे सपोज अगर आप इसको x मानते हो तो रिमेनिंग विल बी हाउ मच, 100 माइनस x. हाँ, चलो अब इसमें हमने tan 60 लगा लेते हैं पहले, तो tan 60 होता है आपका perpendicular upon base, तो यहाँ से h कितना आ गया, h will be root 3x. ओके, अगर मैं दूसरे वाले ट्राइंगल पे लगाऊँ tan 30, तो tan 30 will be how much, tan 30 will be is equal to h upon 100 minus x. ओके, और अगर मैं tan 30 की वैल्यू रखूँ, दैट विल बी 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन
100 माइनस एक्स, ठीक है, आपको सॉल्व, आपको एच निकालना है. सो वाई डोंट वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हाँ इन द सेकेंड इक्वेशन. तो हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, सॉरी हम लोग क्या करने वाले हैं, हाँ हम यहाँ से हम x की वैल्यू लिखते हैं h अपॉन रूट थ्री, ठीक है, और उस x की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, ठीक है. लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. इट विल बी 100 माइनस x h अपॉन रूट थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू एच, ऐसा कुछ आ रहा है. तो अगर आप इसको इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 100 रूट थ्री माइनस एच अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, ओके, सो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके दैट विल बी थ्री एच, ओके, सो इट विल बी 4 inch, अगला होगा 4 inch विल बी इक्वल टू 100 रूट थ्री, और यहाँ से एच कितना जाएगा, एच विल बी इक्वल टू देन 25 रूट थ्री, वेरी सिंपल, एच आ गया 25 रूट थ्री, दैट इज योर आंसर, ठीक है, वेरी सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस, ओके, हाइट एंड डिस्टेंस से अच्छे सवाल आए हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ओनली, ओके, सो द आंसर इज 25 रूट थ्री, सो सिंपल. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 72 नाउ. क्वेश्चन नंबर 72 टाइम एंड वर्क का सवाल है. टाइम एंड वर्क में आपको दिया है एक इलेक्ट्रिक पंप जिसको मैं ए बोल रहा हूँ, सपोज ए एक पंप है और ए का जो काम दिया है उसको टैंक को भरना है, वो टाइम कितना दिया है 3 hours, ठीक है, तो ए का जो 1 hour वर्क हो जाएगा दैट विल बी 1/3. सारी कैलकुलेशन मैं यहीं पर लिख रहा हूँ डायरेक्टली. सपोज बी इसमें क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ ए लीक, अब लीकेज की वजह से बी को मैं लीकेज मानता हूँ, ठीक है, अगर मैं बी ऑन कर दूंगा तो बी कितने आवर्स में टैंक खाली करेगा ये नहीं दिया है, ये पूछा है. सपोज मैं एक्स आवर्स लेता हूँ, सपोज बी एक्स आवर्स में पूरा टैंक खाली करता है तो उसका जो खाली टैंक करने का 1 hour का जो वर्क हो जाएगा दैट विल बी 1/x. इफ ए एंड बी बोथ आर ऑन, अगर पंप भी चालू है साथ साथ में लीकेज भी हो रहा है तो दोनों के वजह से जो टाइम लग रहा है, ठीक है, इफ ए एंड बी आर बोथ आर ऑन देन इट विल टेक हाउ मेनी आवर्स, 3.5 hours, ठीक है, टू फिल द टैंक. ए एंड बी बोथ आर ऑन का मतलब क्या, अगर ए और बी को साइमल्टेनियसली मैं कैलकुलेट करूँ तो ए का 1 hour वर्क 1/3 है, माइनस लीकेज है बेटा इसलिए माइनस करूँगा 1/x, और दैट विल बी इज इक्वल टू ए और बी जब साथ में काम कर रहे हैं तो 3.5 hours में टैंक भर जा रहा है तो उसका 1 hour वर्क कितना होगा, 1/3.5, ठीक है. ओनली वट यू हैव टू सॉल्व दिस बेटा, यू विल गेट एक्स, एक्स का है लीकेज, ठीक है, तो लीकेज का टाइम आ जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस इसमें, रेस्ट इज नथिंग बट कैलकुलेशन. तो उसको तो बहुत ईजिली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से. तो यहाँ पर क्या होगा, दिस विल बी 1/3 माइनस 1/x इज इक्वल टू 10/35, इसको 5 2's are 5 7's है, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा. तो इसको मैं करता हूँ 1/3 माइनस 2/7 इज इक्वल टू 1/x, हाँ, तो ये कितना जाएगा, LCM विल बी 21 और 7 माइनस 6 दैट विल बी 1/21, तो 1/x 1/21, तो x कितना आ गया 21 hours, तो लीकेज 21 घंटे में टैंक को क्या कर देगा, खाली कर देगा, दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है. इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है, डी इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोल रहा है, एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक हो गया, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस आपको दिया है, रेडियस कितना दिया है 3 centimeters, इट इज़ मेल्टेड. अच्छा, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, ठीक है, ये वॉल्यूम होता है. इसको आपने पिघलाया और 3 छोटी-छोटी स्फेरिकल बॉल्स बनाई, ठीक है, इसको पिघला कर इसको अगर आपने मेल्ट किया तो 3 छोटी-छोटी बॉल्स बनी, ऐसी एक बॉल ऐसी बनी जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है 1.5 centimeters, दूसरी बॉल बनी जिसका रेडियस थोड़ा सा बड़ा है 2 centimeters, और तीसरी बॉल बनी जिसका रेडियस आपको नहीं पता, उसका आपने x ले रखा है 1 centimeters, एंड यू हैव टू फाइंड इसका जो वॉल्यूम होगा, द वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर स्फेयर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 3 spheres, ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल होगा बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 spheres, ठीक है,
ओके okay, तो क्या होगा 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, कितना है वो 3 क्यूब इज इक्वल टू, अच्छा 4 अपॉन 3 पाई तो कॉमन रहने वाला है सभी के लिए, तो पहले वाले में क्या जाएगा 1.5 का क्यूब प्लस दूसरे में आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस तीसरे में आ जाएगा x का क्यूब, ठीक है। सो सिंपल, आपने ये याद रखना है कि वॉल्यूम सेम रहता है। अच्छा 4 बाई 3 पाई विल गेट कैंसिल। अच्छा 3 3 9 3 27 इज इक्वल टू 1.5 का क्यूब करोगे तो इट विल कम अराउंड 3.375 प्लस 8 प्लस एक्स क्यूब। ओके तो यहाँ से इफ़ यू विल सॉल्व विल गेट एक्स क्यूब विल बी इज इक्वल टू, इसको अगर आप सॉल्व करोगे विल गेट 15.625, ठीक है। 15625 किसका रूट होता है, ये होता है 25 का, ठीक है। तो 2.5 इंटू 2.5 यू विल गेट दिस ओनली 15.625, ठीक है। सो द आंसर विल बी एक्स विल बी इज इक्वल टू 2.5। तो जो थर्ड जो आपका स्फेयर होगा उसका रेडियस कितना होगा 2.5, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा हो चुका है बेटा, 74 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 सारे फार्मूला बेस्ड हैं मेंसुरेशन के। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल टेंट, सपोज एक टेंट है कोन के शेप का है, इट्स अ कोनिकल टेंट, ठीक है। ऐसा एक टेंट है, आपको क्या दिया है इसके बेस का सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कमफ्रेंस ये रेड वाला पोर्शन बेटा, ठीक है। ये जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, ये जो सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस आपको दिया है, ठीक है। रेडियस आपको नहीं दिया है, रेडियस मैं आर लेता हूँ। हाइट का हमें पता है, हाइट कितनी है, हाइट भी नहीं दी है, सर्कमफ्रेंस दिया है, आपको वॉल्यूम निकालना है इसका, ठीक है। अच्छा सर्कमफ्रेंस कितना दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया है, अच्छा हाइट भी दी है, सॉरी हाइट कितनी दी है, हाइट 9 मीटर दी है, हाइट इज़ 9 मीटर, सर्कमफ्रेंस इज़ 44 मीटर। सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का 2πr, 2πr कितना दिया है 44 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 44, ठीक है। और यहाँ से r कितना जाएगा, r आ जाएगा यहाँ से 7, ओके तो r आ गया 7 मीटर्स। तो रेडियस आ गया r, अब आपको फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम ऑफ ए कोन कितना होता है 1/3 πr² h, सो 1/3 × 22/7 × 7 × 7 × 9। सिंपल, बस सॉल्व करना है। सो दिस 7 से 7 कैंसिल, इस 3 से 3 3 सा, तो ये आ गया 22 × 7 × 3। तो 22 × 21 करेंगे तो ये आ जाएगा 22 44, 462 will be your answer. Okay, this will be how much? 462 centimeter cube. Very simple. 74 we have done. अब में आते हैं 75 एवरेज का सवाल है बेटा, ठीक है। तो एवरेज के सवाल में क्या है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 43, ठीक है। एवरेज जो आए हैं बच्चों के वो 43 आए हैं, ठीक है, एवरेज मार्क्स। ओके, इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 बॉयज, अच्छा तो एवरेज ऑफ कितना हो जाएगा ये टोटल, एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आपको 40, ये टोटल है, ठीक है, टोटल एवरेज, इसमें टोटल बच्चे हैं, तो ये टोटल एवरेज आपको 43 दिया है, मतलब सम ऑफ इसमें क्या है, बॉयज़ भी हैं, सम ऑफ बॉयज़ प्लस गर्ल्स, सम ऑफ बॉयज़ प्लस सम ऑफ गर्ल्स अपॉन कितने हैं इनके नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, सपोज नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं एक्स। चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये ना करते हुए पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो टोटल एवरेज आपको 43 दिया है, इफ़ द एवरेज ऑफ 25 बॉयज़, एवरेज ऑफ 25 बॉयज़, 25 का एवरेज कितना दिया है 40, एंड एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड बाय द गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स कितनी है ये नहीं दिया है, ओके ये 25 है, तो एवरेज ऑफ गर्ल्स नहीं दिया है। तो अगर बाय द वे मैं टोटल स्ट्रेंथ या टोटल स्टूडेंट्स अगर मैं एक्स लूँ तो गर्ल्स कितनी जाएंगी, x-25, तो x-25 गर्ल्स का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 48। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, बेसिकली
यू हैव टू फाइंड दिस x माइनस 25, ओके। सो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल है x, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ x है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। शुरू में जो टोटल एवरेज वाला है इसको मैं कैसे लिखूंगा, सम ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू 43, तो ये सम ऑफ x हो जाएगा 43x। इसमें x का मतलब क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, सम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सम ऑफ बॉयज़, बॉयज़ का सम कितना आ गया 40 into 25। अच्छा, सम ऑफ गर्ल्स कितना आ गया, दैट विल बी 48 into x minus 25। सिमिलरली, ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ को अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूँ, सम ऑफ x का मतलब है टोटल, ठीक है, सो इट विल बी, अब मैं फिर से मेन इक्वेशन लिख रहा हूँ, सम ऑफ x मतलब टोटल, इसका मतलब क्या होगा ना, तो सम ऑफ बॉयज़ इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 40 into 25 प्लस सम ऑफ गर्ल्स कितना है 48 x minus 25 इज इक्वल टू कितना है 43x, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट x, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 1000 प्लस 48x माइनस, इसको मैं 48 into 25 लिखता हूँ इज इक्वल टू 43x, ठीक है, बल्कि मैं इसको भी 40 into 25 लिखता हूँ, इट विल बी ईजी फॉर मी फॉर कैलकुलेशन, 40 into 25, ठीक है, यहाँ से 48, यहाँ से आ जाएगा 5x विल बी इज इक्वल टू, दिस विल बी हाउ मच 48 into 25 माइनस 40 into 25, ठीक है, सो 5x will be is equal to, if I'll take 25 common, 48 minus 48 will come, ठीक है, so x will be is equal to 40, तो टोटल बच्चे कितने हैं 40 हैं, सो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए 40, और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं x minus 25, that is 40 minus 25, कितनी गर्ल्स हैं 15 गर्ल्स हैं, ओके, सो 15 इज़ द राइट आंसर, वेरी सिंपल, बस आपने इक्वेशन फ्रेम करनी है, जो जो गिवन है उसको सॉल्व करना है, ओके, 25 इज द राइट आंसर बी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 76 में इफ विल सी, क्वेश्चन नंबर 76 में द सम ऑफ मनी, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, थोड़ा सा ये ध्यान देना, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, तो ए इज इक्वल टू पी वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, कंडीशन क्या दी है, अ सम ऑफ मनी, सपोज अगर आप सम ऑफ मनी मतलब कोई भी पैसा जिसको मैं पी ले रहा हूँ, अगर वो आप बैंक में डालते हो, ठीक है, वही पैसा मेरा हो जाएगा 9680 आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, ठीक है, ऐसा आप इसे समझ सकते हो। तो यहाँ से मैं एक कंडीशन ये लगा सकता हूँ, अच्छा दिस इज़ प्रिंसिपल, दिस इज़ अमाउंट, ठीक है, तो यहाँ से हम a इज इक्वल टू पी, ठीक है, a इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, दिस इज़ द मेन फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज़, सो सिंपल, ओके, सो नाउ what is the next condition is given to you, अगर आप वही पैसा 3 साल के लिए, टाइम इज़ गिवन 3 ईयर्स, वही पैसा अगर आप 3 साल के लिए डालें तो वही पैसा कितना हो जाएगा 10648, ठीक है, तो दो इक्वेशंस निकालता हूँ मैं यहाँ से, तो वो दो इक्वेशंस कैसे आएगी ध्यान देना, ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी इस वाले से, इस वाली कंडीशन से, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी, अमाउंट कितना है 10648 इज इक्वल टू पी आई डोंट हैव 1 + r आई हैव टू कैलकुलेट अपॉन 100 की पावर n, ठीक है, n होता है टाइम पीरियड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं n वैल्यू लूँगा, तो 3 साल में 3 पीरियड्स बनेंगे, तो यहाँ पर आया 3, ठीक है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, वो ये जो पहली वाली कंडीशन है इसको लेकर 9680 इज इक्वल टू पी, सेम प्रिंसिपल है 1 + r/100, लेकिन इसमें टाइम है 2 ईयर्स, तो पीरियड 2 बनेंगे, पावर 2, ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू 1/2। अब आप क्या करोगे, आपको इक्वेशन 1/2 करना है, ठीक है, अब तो बहुत सिंपल है, ओके, नाउ लेट्स डू 1/2, इसको अगर मैं 1/2 करूँगा तो क्या जाएगा, ये 10648/9680 विल कम इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, ये क्या जाएगा पी 1 + r/100 की पावर 3 अपॉन पी 1 + r/100 की पावर 2, ठीक है, चीज़ें कैंसिल कर लो, पी से पी विल गेट कैंसिल, और ये पूरा स्क्वायर वाला टर्म इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पर पावर सिर्फ 1 बचेगी,
सो इट विल बी अल्टीमेटली ठीक है 1 + R/100 इज इक्वल टू 10648/9680. ठीक है, नाउ रेस्ट इज कैलकुलेशन, यू हैव टू फाइंड R. ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन होने वाली है. ओके तो मैं आपको एक बार फटाफट से कैलकुलेशन बता दूं. सो इसमें R/100 अभी इसको सॉल्व मत करना. ठीक है, R/100 विल बी, इसको डोंट कैंसिल दिस फ्रैक्शन. ठीक है, 10648 कैंसिल करोगे तो इट विल कंज्यूम योर टाइम. 9680 इसको पहले -1 कर लो, ये जो 1 है इसको यहाँ ले आओ. ठीक है, तो आप देखोगे कितना ईजी होने वाला है. R/100 इज इक्वल टू LCM विल बी 9680 इन दिस न्यूमरेटर में क्या है 10648 -9680. ठीक है, तो उसको माइनस करोगे सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट R/100 इज इक्वल टू 968 यू विल गेट इन द न्यूमरेटर. इफ विल सब्ट्रैक्ट दिस टर्म्स ना इन द न्यूमरेटर यू विल गेट 968/9680. ठीक है, सो 96 दिस विल बी हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स. ठीक है, 968 वन्स एंड 968 टेन्स. ठीक है, तो R कितना जाएगा, देयरफॉर R विल बी 100/10 दैट विल बी इज इक्वल टू 10%. सो सिंपल. ठीक है, तो आपको रेट निकालना था, रेट कितना आ गया 10%, वेरी सिंपल. ओके सो लेट सी द क्वेश्चन, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 76. सो द आंसर इज 10%. ओके, दिस 10% इज द आंसर. ओके चलो लेट्स डू नाउ क्वेश्चन नंबर 77. ओके फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं. 77 लेट्स डू नाउ क्वेश्चन नंबर 77 सिंपल इंटरेस्ट का है और इजी सवाल है. 77 में आपसे क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times इन 5 years. ओके, अ सम ऑफ मनी, अगेन सेम कंडीशन. अ सम ऑफ मनी का मतलब क्या है, अगर मैंने पी पैसा बैंक में डाला इट बिकम्स 3 times. ठीक है, तो यहाँ पर यू हैव टू फाइंड रेट. ओके सॉरी, यू हैव टू फाइंड टाइम. ओके, यू हैव टू फाइंड टाइम. चलो देख लेते हैं. ठीक है, सो आई कैन टेक हेयर एनी वैल्यू. सपोज 100 rupees अगर मैंने बैंक में डाले. ओके, तो ये 100 rupees 3 times हो रहे हैं, मतलब 300 हो जाएंगे इन 5 years. टाइम इज गिवन हेयर 5 years. ओके चलो ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट. नाउ इन हाउ मेनी ईयर्स द सेम सम, अभी जो 100 rupees हैं कितने सालों में ये 6 times हो जाएंगे 600 एट द सेम रेट. एट द सेम रेट मतलब जो रेट यहाँ पर होगा वही रेट यहाँ पर भी होगा एट द सेम रेट, बट हेयर यू हैव टू कैलकुलेट टाइम. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दिस फर्स्ट कंडीशन, इस फर्स्ट कंडीशन को हम मैथमेटिकली लिखते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल. ओके, दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल. ओके, दिस इज रेट, दिस इज नथिंग बट अमाउंट. सो एज यू ऑल नो, और यहाँ पर कहीं SI होगा, एज यू ऑल नो दैट प्रिंसिपल प्लस SI इज इक्वल टू अमाउंट. ओके, प्रिंसिपल इज 100, अमाउंट इज, तो SI कितना जाएगा, SI विल बी 300 माइनस 100 विल बी 200. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व कर रहा हूँ बेटा. और यहाँ पर आप SI इज इक्वल टू PRT/100 लगा लो, PRT/100, SI तो आ गया 200, P कितना है 100. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन बेटा, देखो P इसमें 100 है. ओके, इनटू R आई हैव टू कैलकुलेट, नॉट गिवन टू मी, टाइम इज 5 years गिवन टू मी अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, R कितना जाएगा 40%, R विल बी हाउ मच 40%. सो द सेम R इज हेयर ऑल्सो 40%. नाउ वट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड टाइम. नाउ इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, अब तो बहुत आसान हो गई है. तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, रेट आ गया क्योंकि रेट सेम है पहली वाली कंडीशन से. ये जो दूसरी वाली कंडीशन है इसको लिख लेते हैं, पी प्लस SI इज इक्वल टू अमाउंट, प्रिंसिपल इज 100 हियर, SI आई डोंट नो कितना पैसा हो जा रहा है मेरा 600 rupees, तो SI यहाँ पर कितना जाएगा 500. बस तो यहाँ पर SI वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, SI इज इक्वल टू PRT/100, SI इज हाउ मच 500, इज इक्वल टू P इज हाउ मच अगेन 100, R वी हैव कैलकुलेटेड 40%, टाइम वी हैव टू कैलकुलेट हियर अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, T विल बी हाउ मच, ठीक है 500 upon 40, ठीक है इफ यू विल कैंसिल इट, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है दिस विल बी 4 ones are 4, ओके एंड 4 2 are 8, 4 5 are 12.5 years
टाइम कितना आ गया 12.5 ईयर्स. सो सिंपल. ओके सी इज़ द राइट आंसर. अच्छा क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 78 में क्या गिवन है, इट्स वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 78 में आपको पॉपुलेशन दी है सिटी की 2004 की. ठीक है पॉपुलेशन कितने दी है 10 लाख. ठीक है 2004 की पॉपुलेशन कितने दी है 10 लाख. 50 लगा दो आगे. ओके 2005 में कह रहा है वो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ. ठीक है अगर आप क्वेश्चन देखेंगे देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 15%. देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 15%. ठीक है 2005 में इंक्रीमेंट हुआ है 15% का, तो मैं अपवर्ड एरो बताऊंगा इंक्रीमेंट. ठीक है अच्छा 2006 में क्या हुआ है, 2006 में डिक्रीमेंट हुआ है कितने का 35% का, तो 35% एरो नीचे की तरफ जाएगा. 2007 में अगेन इंक्रीमेंट हो रहा है बेटा 45% का, तो 45% एरो ऊपर की तरफ. यू हैव टू फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2007. वेरी सिंपल, एक ही लाइन में होगा ये सवाल. कैसे ऐसे. ठीक है पॉपुलेशन, तो मेरी पॉपुलेशन आने वाली है दैट विल बी नथिंग बट प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 10 लाख. ठीक है मतलब 2004 की पॉपुलेशन, फिर 15% बढ़ी. 15% का मतलब है 115/100 इनटू एक ही लाइन पे 35% घटी. 35% घटने का मतलब क्या है 65/100. ठीक है 35% घटने का मतलब क्या है 65/100 इनटू एक ही लाइन में 45% बढ़ी, तो कितना 145/100. सो द पॉपुलेशन विल बी हाउ मच 10 लाख इनटू 15% बढ़ी, तो 115/100. मैंने बच्चों को बताया 15% 100 से कंपेयर करते हैं हम लोग. 35% घटी तो 65/100, 45% बढ़ी तो 145/100. ठीक है ओनली व्हाट यू हैव टू सॉल्व दिस एंड यू विल गेट योर आंसर. रेस्ट इज कैलकुलेशन बेटा. ठीक है कैलकुलेशन है 1 2 3 4 5 6 जीरोस काट लो 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन है इन तीन नंबर्स का दैट विल बी योर आंसर. तो फटाफट कर लेते हैं 115 इंटू 65, 5 5 25 कैरी 2 7 एंड 5, 6 से करेंगे तो 6 5 ज़ा 30 6 90. ओके इसको ऐड करेंगे तो दिस विल बी 5 7 14 7 4 7 5 इंटू 145 करना है बस एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 25 2 7 5 35 7 3 20 23 carry 2 7 35 37 इंटू 4 से कर लेते हैं 5 4 20 carry 2 28 30 carry 3 19 carry 1 29. और 1 से करने में यही आ जाएगा 5 7 4 7. ऐड करेंगे विल गेट योर आंसर 5 7 8 14 और 9, दिस विल बी 23 carry 2 5 9 18 carry 1 7 8 9 10 108 3 8 7 5 108 3 8 7 5. ठीक है बस मल्टीप्लीकेशन था 108 3 8 7 5. ठीक है तो 108 3 8 7 5 इज बी 108 3 8 7 5. ओके सो सिंपल. ठीक है सिर्फ मल्टीप्लीकेशन था. क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 79 इज़ वेरी इजी बेटा. क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा लैंग्वेज समझना. क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ द कुकिंग गैस राइजेज बाई 15%. अगर किसी भी कुकिंग गैस की प्राइस है 15%, अगर उसके प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं तो फैमिली अपना कंजम्पशन कितना रिड्यूस करेगी सो एज़ नॉट टू एक्सीड द बजट ऑन कुकिंग, ताकि पैसा वो उतना ही दे लेकिन कंजम्पशन कम हो जाएगा. कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लो. सोचो कि 100 रुपीज़ में मैं 100 kg गैस लेता था. ठीक है आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जाम्पल, वाई एम टेकिंग 100 100, ताकि कैलकुलेशन मेरे लिए ईजी हो जाए. ये तो प्राइस था और ये कंजम्पशन. ठीक है तो क्या बोल रहा है मुझसे, 100 रुपीज़ में 100 kg कंजम्पशन था. अब प्राइस बढ़ गया, प्राइस क्या हुआ बढ़ गया. अच्छा प्राइस कितना बढ़ गया, प्राइस इज रेज्ड बाय 15%. अब इसका मतलब है अब 115 रुपीज़ में कितना केजी मिलेगा आपको, 100 kg मिलेगा. 115 रुपीज़ में कितना केजी मिलेगा, 100 kg. लेकिन अब आपको 115 रुपीज़ तो देने नहीं है, आप तो 100 रुपये का ही लेंगे फिर से गैस, क्योंकि आपको
कंजम्पशन नहीं बढ़ाना बेटा, सॉरी आपको प्राइस नहीं बढ़ाना है। आप पहले 100 रुपये में लेते थे, आपको 100 kg मिलता था, प्राइस बढ़ने की वजह से अब 115 रुपीज़ का 100 kg हो गया है। ये न्यू प्राइस है, 100 kg गैस का न्यू प्राइस है 115, लेकिन आपने जो अपना प्राइस रखना है वो सेम रखना है 100 रुपीज़। तो अगर 115 रुपीज़ का अगर अब 100 kg आ रहा है, तो 100 रुपीज़ का कितना kg आएगा? 100 kg से कम आएगा, लेस। लेस का फॉर्मूला क्या होता है? लेस बाई मोर। तो क्या आया? लेस। तो क्या होगा? लेस बाई मोर इंटू इंडिविजुअल वैल्यू। यूनिटरी मेथड है, सिंपल। तो इसको अगर हम देखें तो अब तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गई, मान ली। ओके, तो लेस क्या है दोनों में से? इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ बेटा मैं, इन दोनों को, ठीक है? लेस क्या है? 100 इज लेस, 115 इज मोर इंटू इंडिविजुअल वैल्यू इज 100 kg, ठीक है? इतना कंजम्पशन आ जाएगा। ओके, इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो 5 2 10 एंड 5 3 15 एंड दिस विल बी 5 20। तो कितनी आ गई कंजम्पशन? अब तो कटेगा नहीं है जी, कंजम्पशन इतना आ गया। तो आपका कंजम्पशन कम हो गया बेटा, इट इज़ नॉट 100 kg। अगर आप इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो इट विल नॉट कम 100 kg, इट विल बी लेस देन 100 kg। तो आपका कंजम्पशन कितना रिड्यूस हुआ है, दिस यू हैव टू टेल। तो आपको अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? डिक्रीजिंग परसेंटेज वाला, ठीक है? तो कैसे लगाओगे? अगेन इट विल बी वेरी इजी। कंजम्पशन कितनी हो गई है आपकी? इतनी। अच्छा, पहले कितनी थी? इसको मैं ऐसे ऐसे देख सकता हूँ। पहले मेरी कंजम्पशन थी 100 kg, अब कंजम्पशन कितनी रिड्यूस हो चुकी है? एरो करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, कितनी हो चुकी है? 2000/23 kg। बेटा रिमेंबर इट, 2000/23 इज लेस देन 100 kg। अगर 23 × 100 करूँगा तो वो 2300 kg आएगा। तो ये 100 से वैल्यू कम है, ठीक है? बच्चों को कभी कभी दिखता नहीं है। अच्छा, सो डिक्रीजिंग परसेंटेज यू हैव टू कैलकुलेट। नाउ डिक्रीजिंग परसेंटेज क्या होता है? इज इक्वल टू डिक्रीज्ड वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं बता चुका हूँ बच्चों को, अपॉन लार्जर वैल्यू इनटू 100 इज इक्वल टू डिक्रीजिंग परसेंटेज। डिक्रीज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? बड़ी वैल्यू से छोटी माइनस कर दो, अपॉन लार्जर वैल्यू, लार्जर वैल्यू इज 100 इनटू 100। तो ये आ जाएगा, दिस विल बी 2300 माइनस 2000 विल बी 300, 300/23% विल बी योर आंसर, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है? ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। 300/23 आ रहा है हमारा, 300/23, ऑप्शंस आर गिवन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है? हमारा आ रहा है 300/23, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए तो देख लेते हैं, ये ऑप्शंस हैं आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है? 23 300 23 1 23, रिमाइंडर विल बी हाउ मच? 770 23 3 3 3 9, 3 2 6, रिमाइंडर विल बी 1। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे 23 13 टाइम्स रिमाइंडर विल बी 1, सो 13 1/23%, बी इज़ द राइट आंसर। सो सिंपल, फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इंक्रीजिंग परसेंटेज डिक्रीजिंग परसेंटेज क्वेश्चन को समझते हुए करना है बेटा। ओके, चलो लेट्स कम टू नाउ क्वेश्चन नंबर 80। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं, ईजी है अगेन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ बॉय टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, ठीक है? एक आपको स्क्वायर फील्ड दिया है। ओके, सपोज दिस इज अ स्क्वायर फील्ड, इसका एरिया दिया है 25 हेक्टेयर। एरिया 25 हेक्टेयर का मतलब होता है 25 × 10,000 m², ठीक है? हेक्टेयर को मैंने मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया। एट द स्पीड ऑफ 10 km/h, ठीक है? मतलब अगर मैं 10 km/h में जाऊँगा, ठीक है, सपोज़ अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अगर कोई बंदा ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और कितनी स्पीड में दौड़ रहा है, 10 km/h की स्पीड से दौड़ रहा है, तो वो इस अगेन ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए आने में कितना टाइम लेगा, ठीक है? तो आपको एरिया तो दिया है बेटा, एरिया से क्या आ जाएगा? एरिया से साइड्स, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है? तो एरिया क्या होता है अगर ये साइड्स कितनी है, ए है या साइड स्क्वायर, इजिकल टू कितना आ जाएगा एरिया? 25 × 100 × 100, ठीक है? तो साइड कितना आ जाएगा? इसका रूट निकाल लो, 25 का 5 आ जाएगा, 100 × 100 का 100 आ जाएगा। तो कितना आ गया साइड? आ गया साइड, आ गई 500 m, ठीक है? साइड आ गई 500 m, 500 m का मतलब क्या है? एक साइड कितनी आ गई? 500 m। तो ये कितनी है? 500 m। ओके, तो ये तो टोटल 4 साइड्स हैं। अगर मैं पूरा ए से बी जाऊँ, फिर बी से सी जाऊँ, सी से डी और डी से ए आऊँ, तो टोटल कितना जाएगा? 500 × 4, दैट विल बी 2 km। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई?
डिस्टेंस आ गई 2 किलोमीटर, और स्पीड कितनी दी है, स्पीड दी है मुझे क्वेश्चन में 10 किलोमीटर पर आवर। वेरी सिंपल, टाइम कैलकुलेट कर लो, ठीक है। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2/10, दैट विल बी 1/5 आर, इट विल कम इन आर, बट ऑप्शंस आर गिवन इन मिनट्स, तो 1/5 × 60 करोगे, इट विल कम इन मिनट्स, ठीक है। सो इट विल बी 12 मिनट्स, वेरी सिंपल, 12 मिनट्स इज द राइट आंसर, वेरी सिंपल, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 80 ऑल्सो वी हैव डन, वेरी सिंपल।